और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अदना ठिकाने वाले जन्नती से रब फरमाएगा, आरज़ू करो, वो आरज़ू करेगा और आरज़ू करेगा तो इससे फरमाएगा कि क्या तूने आरज़ू कर ली है, वो कहेगा हाँ, तो उससे फरमाएगा जो तूने आरज़ुएँ की हैं, फ़इन्ना लका मा तमन्नैता, जो तूने आरज़ुएँ की हैं वो और उसके साथ उतना ही तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब इसमें जो लफ्ज़ आया है फ़यतमन्ना, और इसका दो बार ज़िक्र आया है, तमन्ना फ़यतमन्ना वयतमन्ना, तो ये जो फरमाना है उलमा कहते हैं ये ज़्यादती के लिए, ज़्यादती बयान करने के लिए, यानी बंदा आरज़ू करेगा और खूब ही करेगा, बार बार करेगा, जहाँ तक उसका ख्याल पहुँच सकता है, जहाँ तक उसकी तमन्नाएँ पहुँच सकती हैं सब कर लेगा। ख्याल रहे कि तमन्ना और उम्मीद में बड़ा फ़र्क है। उम्मीद तो सिर्फ़ हो सकने वाली बात होती है, मगर तमन्ना अन होने वाली बात भी हो सकती है कि मुझे इस चीज़ की तमन्ना है, तो हो सकता है किसी ऐसी चीज़ की तमन्ना हो जो अन होनी हो, और उम्मीद ये हो सकने वाली चीज़ होती है। अब मिसाल के तौर पे एक बूढ़ा आदमी ये तमन्ना तो कर सकता है कि मेरी जवानी लौट आए, क्योंकि ये अनहोनी है, मगर ये उम्मीद नहीं करता कि जवानी लौट आएगी। एक गुनाहगार आदमी उम्मीद करता है कि माफ़ कर दिया जाएगा और तौबा इस्तग़फ़ार करता है, यानी हो सकने वाली चीज़ है ना, उसमें तमन्ना नहीं है, उसमें उम्मीद है। और दूसरा नुक्ता कि यहाँ यानी वो तमन्नाएं पूरी हुई तेरी मांग से और इतनी ही और दिया अपने रहम से, तो यहाँ पर एक गुना साथ ही देगा जब इंसान तमन्ना करेगा, और आखिर में 10 गुना और देगा, तो इसलिए ये 10 गुना वाले की नफ़ी नहीं है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैहानु व जैहानु वल फुराचु वन नीलु कुल्लु मिन अनहारिल जन्ना, के सिहान जीहान फुरात और नील ये सब जन्नत की नहरों में से हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ख्याल रहे कि ये सिहून और जीहून ये मुल्क के अरमन में दो नहरें हैं, यानी तुर्किस्तान और खुरासान में, और एक तो इराक़ में है फुरात, और दूसरी ये नील चले जाएँ इधर इजिप्ट वगैरह के इलाक़ों में, तो उस इलाक़े में। तो फुरात जो है वो अगर स्पेसिफ़िकली देखें तो कूफा के करीब है, नील मिस्र में है। तो इन चारों नहरों का जन्नत से होना इसकी बहुत तौजीहें की गई हैं, मगर कवि यह है कि कोई तावील ना की जाए, इसे अपने ज़ाहिर पर रखा जाए कि जन्नत से इनका पानी पहाड़ों में भेजा गया और पहाड़ों से इन मैदानों में जारी किया गया, चुनाचे ये पानी बहुत शीरीं हैं, हाजिम हैं। इन नहरों पर हज़रात अंबियाए कराम बुज़ुर्गान दीन बहुत ही कसरत से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। क़ुर्ब क़यामत जब कौम याजूज व माजूज का खुरूज होगा, तो क़ुरान मजीद, इल्म दीन, हजर अस्वद, मुकाम इब्राहीम और ये चारों नहरें दुनिया से गायब कर दी जाएंगी। इसी तरह इमाम मुस्लिम एक और रिवायत बयान करते हैं हज़रत उतबा बिन गज़वान से, वो फरमाते हैं कि हमसे ज़िक्र किया गया कि दोज़ख के किनारे से पत्थर डाला जाएगा तो इसमें 70 साल गिरेगा, इसकी तह न पाएगा, रब की कसम वो भरी जाएगी। और हमसे ज़िक्र किया गया कि जन्नत की चौखटों में से 2 चौखटों के दरमियान 40 सालों का फ़ासला है, और इस पर एक ऐसा दिन आएगा जब वो भीड़ की वजह से ठुसा होगा। तो उतबा
बिन गज़वान रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी हैं, बद्री हैं, और इनसे पहले सिर्फ 6 हज़रात ने ईमान कबूल किया था, तो ये सातवें मुसलमान हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि हमसे ज़िक्र किया गया, तो या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या किसी सहाबी ने। ख्याल रहे कि सहाबी की मुरसल हदीस बिलइत्तिफाक कबूल है, बाद वालों के मुरसलात में इख्तलाफ है, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और जो तीसरी बात इसमें यह है कि दोजख के किनारे से पत्थर डाला जाएगा जो 70 साल गिरेगा उसकी तह ना पाएगा, तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ये तो दोजख की गहराई है, तो 70 साल चलने के बावजूद उसकी तह तक ना पहुँचेगा। और जब कोई चीज़ लड़खड़ाती है ना, एक कशिश की तरफ जब जाती है, तो उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल, और अगली बात जो यहाँ की गई है कि रब की कसम वो भरी जाएगी, और हमसे ज़िक्र किया गया कि जन्नत की चौखटों में से दो चौखटों के दरमियान 40 सालों का फासला है, और इस पर एक ऐसा दिन आएगा जब वो भीड़ की वजह से, रश की वजह से ऐसी मालूम होगी कि वहाँ पर रश आवर चल रहा है, ऐसी भीड़ होगी। तो अब यहाँ पे जन्नत के हर दरवाज़े की चौड़ाई 40 साल की मसाफत है, इस क़दर वसअत के बाद जब जन्नती इसमें दाखिल होंगे, तो इसके अंदर एक इस किस्म का भीड़ का हाल होगा, तो इससे अंदाज़ा करें कि अल्लाह की रहमत से कितने लोग जन्नत में जाएंगे। और ये ठुसना जब होगा, जबकि आम जन्नती इसमें दाखिल होंगे, सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दाखिल होंगे, दरवाज़ा खुलेगा उन्हीं के लिए, फिर दूसरे अंबिया कराम, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत, तरतीबवार फिर दूसरी उम्मतें। जिस जमात के दाखिले की बारी आएगी, दरवाज़ा उस वक्त यूँ मालूम होगा जब आम लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मखलूक किस चीज़ से पैदा फरमाता है? फरमाया, पानी से। हमने अर्ज़ किया कि भई जन्नत का मटीरियल क्या है, जन्नत किस चीज़ से पैदा की गई है? फरमाया, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और इसका गारा खालिस मुश्क का है, और इसकी बजरी मोती और याकूत है, और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो वहाँ दाखिल होगा खुश रहेगा, गमगीन ना होगा, हमेशा रहेगा, कभी ना मरेगा, इनके कपड़े गलेंगे नहीं, इनकी जवानी ख़त्म ना होगी। इस रिवायत को इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम दारमी ने, कई कुतुब हदीस में रिवायत हुई है। तो अब इसके अंदर जो चंद नुकात हैं उस पर बात करते हैं कि अगर खल्क से मुराद यहाँ पर मखलूक है, इंसान और जानवर वगैरह हैं, तो पानी से मुराद नुतफ़ा है। और जहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हशरात का जिक्र है, कीड़े मकोड़ों का जिक्र है, तो वो इस हुक्म से अलहदा है कि वो नुतफ़े से पैदा नहीं हुए। क्योंकि देखें ना, बाज़ आप कीड़े मकोड़ों को देखते हैं कि बरसात के मौसम में पैदाइश होती है, उनकी पैदाइश नुतफ़े से नहीं होती। तो क़ुरान करीम की जो आया मुबारका है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, तो हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। तो पानी जो है वो किसी सूरत में, लिक्विड किसी सूरत में तख्लीक़ के अंदर शामिल है। तो अगर खल्क से मुराद आलम अजसाम है, तो माँ से मुराद यही पानी है, जिसको आप जानदारों में, जानवरों और इंसानों के लिए नुतफ़े का नाम देते हैं। अल्लाह ताला ने पहले एक जौहर पैदा फरमाया, उस पर नज़र डाली तो हैबत से वो जौहर पिघल गया, पानी बन गया। इस पानी में कुदरती गर्मी पैदा की गई, इससे हवा बनी, कि पानी गर्मी पाकर हवा बन जाता है। हवा ने पानी को हरकत दी, इससे झाग पैदा हुए, वो जमा दिए गए तो ज़मीन बनी, गोया ज़मीन पानी का जमा हुआ झाग। ये पानी और ज़्यादा गर्म किया गया तो इससे आग बनी, आग से धुआं पैदा हुआ, वो जम कर आसमान बने, फिर मुख्तलिफ आसमानों को मुख्तलिफ चीज़ों से तख्लीक किया गया, तरतीब दिया गया। ज़मीन
पानी पर ठहर न सकी हिलती थी, तो इस पर पहाड़ के लंगर डाल दिए गए जिससे इसे करार आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक मामला तो ये हो गया, बड़ी तफसील से मैंने आपको कायनात की तख्लीक एक साइंसी जाविया जो है उस पर आपको पहले दर्स दे चुका हूँ, 2-3 साल पहले, वो दर्स मौजूद है चैनल पर, वो आप सुन सकते हैं इस्लाम और साइंस की प्लेलिस्ट में। फिर तख्लीक आदम के 7 मराहिल, उस पर भी बात हो चुकी है कि दर्जा बदर्जा तदरीजन कैसे मामला। और फिर अर्ज़ किया सहाबा ने कि जन्नत किस शय से बनाई गई है, तो जिस सामान से मकान बनाते हैं इसे अंग्रेज़ी या उर्दू में आप मटेरियल कहते हैं, जैसे ईंट, गारा, चूना, लोहा, सीमेंट वगैरह। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की तामीर किस सामान से हुई है? तो मालूम हुआ कि हज़रत सहाबा का ईमान था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ की हकीकत से वाकिफ़ हैं, हुजूर से ऐसे बारीक सवाल करते हैं। और सरकार ये नहीं फरमाते कि अच्छा जिब्रील अमीन आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, ये बातें तो हज़रत जिब्राईल अमीन को भी मालूम न थीं जो हुजूर फरमा रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फिर उसकी तख्लीक के मुतालिक फरमाया कि जिस सामान से इसे तख्लीक किया गया है, तो हुजूर के ने जन्नत का इल्म खोल कर सामने रख दिया कि हुजूर की वो निगाह है कि जिसे अल्लाह ने जन्नत की हकीकत नहीं छुपाई, इन्हें सब हकीकत मालूम करा दी। तो ख्याल रहे कि सोना पीला होता है और चांदी सफ़ेद होती है, तो जो दीवार इन ईंटों से बने वो कैसी खुशनुमा होगी। फिर ज़ाफ़रान पीला होता है, मुश्क सियाह होती है, जो मिट्टी इससे मखलूत हो वो कैसी हसीन होगी और कैसी खुशबूदार होगी। फिर मोती सफ़ेद चमकीले होते हैं, याकूत रंग बरंगे, तो जो बजरी इनसे मिलके बनेगी, जो सीमेंट इनसे मिलके बनेगी, वो कैसी खूबसूरत और कीमती होगी। फिर वहाँ के दरख्त गहरे रंग के सब्ज़, इन रंगतों के मिलने से जो हुस्न पैदा हुआ वो बग़ैर देखे समझ में आ ही नहीं सकता, इंशाअल्लाह देख कर ही समझेंगे और समझाएंगे। अल्लाह ताला इस काल को हाल कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर ये जो आखिर में फरमाया इस रिवायत में कि जन्नत में न रंज है, न गम है, न तकलीफ़ है, न बीमारियां हैं, न मौत है, न बुढ़ापा है, न कपड़े मैले होंगे, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ। मिरकात में आता है कि कपड़े फरमाकर सारा सामान मुराद लिया गया है, कि वहाँ न कपड़े मैले हों, न फटे, न कोई सामान टूटे फूटे, न मुरम्मत कराया जाए। तो देख लो ये तमाम मामला तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कैसे खोल खोल के बयान किए और क्यों बयान किए, ताकि हम और आप हिदायत पाएं। आज के दर्स की आखिरी रिवायत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान तिर्मिज़ी शरीफ में आता है कि जन्नत में कोई दरख्त नहीं मगर इसका तना सोने का है। तो जन्नत के दरख्तों का तना सोने का, इसकी शाखें चांदी की, सोने की, याकूत और ज़मरुद से जड़ी हुई, हर तरह की कलियों फूलों से भरी हुई, मेवों फलों से लदी हुई और नहरें जारी। तो समझो हर तरह हर तरफ बहार ही बहार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोज़ देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।